मैं तेरी संभाल कर रहा खुद दी संभाल करन लई, मैं तेनू अपने नाल रख रहा खुद नू नाल रखन दे लई। ये जफर दियां लाइनां इन्नियां क ज़्यादा दिल नू छू जांदियां ने। अगर असी इस दी गहराई दे विच जावांगे, तुसी सोच रहे होंगे भी अज ये लाइनां तों अज दे टॉपिक दी शुरुआत किवें कीती जा रही है। मैं दोस्तों पहला ही तुहानू दस दां, ये वीडियो अज दी थोड़ी लंबी होगी। लंबी क्यों होगी? क्योंकि ये मुद्दा जड़ा अज दा मैं डिस्कस करन जा रहा, ये मुद्दा ये किसी स्कूल नाल रिलेटेड नहीं है, किसी कॉलेज नाल रिलेटेड नहीं है। ये मुद्दा अपने सब दी जिंदगी दे नाल रिलेटेड है। ये मुद्दा एक्सपेक्टेशंस दा है, ये मुद्दा रिश्तियां तो एक्सपेक्टेशंस दा है, चाहे वह किसी भी तरह के दो रिश्ते होन, ये उन्हां चीज़ां दे उत्ते गलबात दा है। बड़ी बार अक्सर जो मैं वीडियोज़ पोस्ट करदा तो मैनू बड़े सारे लोग टॉपिक्स भेजते है कि इस मुद्दे ते भी कुछ जिक्र करके पोस्ट करो। जिहड़ा अज दा मुद्दा है, उस मुद्दे बारे ना सिर्फ मैनू पेरेंट्स वालों, एस्पेशली बहुत जोर नाल ग्रैंड पेरेंट्स वालों डिमांड आई कि जरूर इस टॉपिक दे उत्ते तुसीं गल करो। एंड जदों इस टॉपिक दे उत्ते गल करन दी गल हुई ता डेफिनेटली कोई भी चीज़ दे बोलन तो पहला एक पर्सनल एक्सपीरियंस लेना जरूरी हुंदा है, ताकि असी अपने ओरिजिनल एनेकडॉट्स शेयर कर सकिए। मैं बहुत सारे होर भी इहोजे इंटरव्यूज़ देखे इन्हां टॉपिक्स दे उत्ते, लोकां दे भी होर जिहड़े विचार जाने सुने भी लोग क्यों इस चीज़ ते इन्ना ज़्यादा चर्चा कर रहे ने, की जरूरत है आपां नूं इस टॉपिक दे उत्ते इन्नी गलबात करन दी। दोस्तों मैं गल कर रहा वड्डियां यानी कि जिहड़ी थर्ड जनरेशन ते अजकल दी जिहड़ी दादे पोतियां दे विचकार दा जिहड़ा फर्क है, फर्स्ट जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन दी एक्सपेक्टेशन गैप दी गल कर रहा। दोस्तों इस वीडियो विच मैं पहला ही शुरुआत तुहानू क्लीयर करना चाहूँगा, मैं हाथ जोड़ के बेनती भी करना चाहूँगा कि किसी दी भी भावना नू ठेस पहुँचाना मेरा कोई इरादा नहीं है। इस चीज़ के उपर मैं सिर्फ और सिर्फ दोनों पक्षों दीयां दिक्कतां दे कुछ एग्जाम्पल इत्थे कोट करूँगा, और लास्ट से शायद आपां कंक्लूड करांगे कि की किसनू किन्ना क बदलाव की जरूरत है, ताकि जिहड़े रिश्ते ने उन्हां नू असी बचा सकीए। मैं अगे भी बहुत सारी वीडियोज़ दे विच रिश्तियां नू बचाउण दी, अपने माँ बाप की कदर करन दी हमेशा तो ही गल करदा आया, ते अज भी मैं उस चीज़ ते गल कर रहा। अक्सर की हुंदा कि वड्डे जिहड़े हुंदे ने यह सोचते हैं कि भी जो साडा तजुर्बा है वो आपदे आप च एक बहुत वड्डी एक एसेट है, असी फटाफट जिन्ना वध तो वध असी बच्चों नू दे सकीए, सिखा सकीए, दस सकीए, जिथे वो गलत ने उन्हां नू समझा सकीए, वो अपना योगदान पाउंदे आ। अक्सर क्यों वो ये चीज़ां कर पाते या करते ने, क्योंकि उन्हां दी जिहड़ी अपब्रिंगिंग है, जो उन्हां दी बचपने दे विच जो उन्हां दे तजुर्बे रहे, जो उन्हां दे पेरेंट्स ने ग्रैंड पेरेंट्स ने उन्हां नू जिवें ग्रो किया, उन्हां दीयां एक्सपेक्टेशंस हुंदियां कि असी भी उही सेम चीज़ां डिलीवर करिए, ते साडे आने वाली जनरेशन्स भी साडे तो उवें ही हाँ जी कह के अगों जिंदगी चला। लेकिन इत्थे आपां गल करदे हां जिहड़ी हुण दी जनरेशन है, यानी कि मैं थर्ड जनरेशन, उस दादे पोतियां दादियां दे अगों जिहड़े पोते पोतियां ने या दोते दोतियां ने, वह अगों ये सोच के चलते है कि सानू किसी की जरूरत है ही क्यों। पहला दे जमाने दे विच की हुंदा सीगा, वड्डे बजुर्ग हर गल दे उत्ते अपने तजुर्बे कोट करदे सीगे, आ चीज़ ऐं करन नाल ऐं हो जूगा, आ चीज़ ऐं करन नाल ऐं हो जूगा। तो अगली जनरेशन जिवें कि असी या मेरे होर भी भैन भरा जिहड़ी मेरी उम्र दे होणगे, वह हाँ जी कह के गल मन लैंदे सीगे, या साडे पेरेंट्स ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की अगर गल करिए वह भी वो कह दें भी साढ़े माँ बाप ने, तो मैं अपने पेरेंट्स तो भी अक्सर ये सुनदा भी साढ़े माँ बाप तो सानू एक घूरी वट देंदे सी ना, तो सवाल है मजाल है कि असी कदे उन्हां नू अगों सवाल कर दिए या उन्हां वल अगों तक भी लईए, असी अखां च अखां नहीं पा सकते होंदे सी क्योंकि वो साढ़े तो वड्डे हुंदे सी, असी उन्हां नू वड्डा मनदे सी।
जिहड़ी हुण दी जनरेशन है, जिहड़ी मतलब कि मैं हुण गल करदा, जिहड़े स्कूलां विच जा रहे बच्चे ने, ये वड्डियां नूं वड्डा नहीं समझ रहे। क्यों ये चीज़ां क्यों इदां हो रही हैं? आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस है या फिर जिन्ना भी इंटरनेट सोर्सिस तो इनफॉर्मेशन मिलती है, उन्होंने ये लगन लग गया है कि सानू किसी की भी जरूरत है ही क्यों? असी कुछ दवाई भी लेनी है तो सानू डॉक्टर को भी जाने की जरूरत नहीं, असी की कर सकते हाँ, इंटरनेट पर अपनिया सिमटम्स भरेंगे तो असी दवाइया पुछ लाँ। लेडीज़ की भी जो गल कर लिए, अजकल की कुड़िया की भी गल कर लिए, तो भी की कहें भी बच्चा किमें पालना है ना, बच्चा होया है नवा, नहीं पता बच्चा किमें पालना, वह भी हूँ तो इंटरनेट ही दस दिंदा, तो वड्डियां की जरूरत है ही क्यों? इन्ना ज़्यादा डिप्रैशन, इन्ना ज़्यादा एनजाइटी क्यों होने लग पी? पहला दे परिवार बहुत वड्डे होंदे सी, वड्डियां तो छोटे हो गए, छोटियां तो सैपरेट हो गए, हुण सैपरेट तो कुछ मुद्दे इहो जे आ रहे, कुछ किस्से इहो जे आ रहे सामने वी द पीपल हैव स्टार्टेड मैरिंग दमसैल्वस। वो अपने आप नाल ही विआह करवाउणा शुरू करता है, वो अपनी ही जिंदगी दे विच इन्ने क कल्लेपन नूं पसंद करन लग पे है। मैं नहीं समझ पा रहा भी ये दौड़ किधर नूं लैके जा रही है। सानू अपने बच्चों नूं स्पैशली जिहड़ी विचकारली जनरेशन है, जिहड़े अपने पेरेंट्स ते अपने बच्चों दे विच वाले गैप नूं किवें खत्म करना है, उन्हां दी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। उन्हां नूं एक चीज़ समझन दी है, जदों बंदा वड्डा हो जाता है, बजुर्ग हो जाता है, उन्हूं प्यार मंगना पैंदा है, उन्हूं प्यार मिलता नहीं, क्योंकि सारा प्यार उन्हां दी औलाद दा, सारा प्यार आपदी औलाद वल ही हुंदा है, क्योंकि उन्हां दा भी झुकाव अपने बच्चों वल ज़्यादा, क्योंकि वो उन्हां दा फ्यूचर देख रहे हुंदे ने, आपदा फ्यूचर उन्हां दे विच देख रहे हुंदे ने, कि असी बुढ़े होवांगे, असी बजुर्ग होवांगे तो सानू ये संभालणगे। उस चक्कर दे विच जिहड़े बजुर्ग ने वो किते ना किते इनडायरैक्टली और डायरैक्टली चाहते हुए ना चाहते हुए इग्नोर होंदे रहिंदे है। हुण हुंदा की है, पेरेंट्स असी जिहड़ी जनरेशन है, असी ये तो एक्सपैक्ट करते हाँ कि साडे जिहड़े बच्चे आ वो उन्हां नूं दादा दादी मिलन। क्यों मिलन? क्योंकि असी नौकरियां करदे, भावें मेल है भावें फीमेल है, अज दे टाइम दे विच एवरी वन इज़ वर्किंग। जदों सारे जॉब ते चले जांदे है, दे एक्सपैक्ट देयर चिल्ड्रन टू बी टेकन केयर, उन्हां दी ये उम्मीदां तां हुंदियां। हुण असी तां इंडिया च बैठे हाँ, बहुत सारे फॉरन दे विच लोग बैठे है जिन्हां दा देखीदा है कि सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स जिहड़े ने वो स्विच क्यों करते हैं, वो इंडिया छड्ड के क्यों जाते हैं? उन्हों का मन नहीं होंदा, वो अपने बच्चों लिए जाते हैं, उन्होंने बच्चों लिए जाते हैं, वो उन्हों की संभाल करते हैं, बट असी उन्होंने फुल फ्लैज राइट्स नहीं देंगे, असी उन्होंने फुल फ्लैज पावर्स नहीं देंगे, असी की कहने भी हाँ तुम इन्हों प्यार कर सकते हो पर तुम इन्हों डांट नहीं सकते। किस हद तक वो चीज़ा ठीक ने? और मोरओवर असी भी की करते हैं, मॉर्निंग असी काम से निकलते हैं, शाम को जब आने इट्स जस्ट दैट वन थिंग दैट दे एक्सपैक्ट फ्रॉम अस इज कि असी जाते ही घर के अपने बजुर्गों मत्था टेकी और पुछिए थोड़ा दिन किमें रहा, तुसीं की कीता, चाह पीन वेले कट्ठे बैठ गए, टीवी देखण वेले कट्ठे बैठ गए, जो भी है छोटिया छोटिया गल्लां दा जिहड़ा बदलाव है असी लियावांगे तो जिहड़े वो गैप्स ने वह कवर होने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी ही जनरेशन जिहड़े छोटे बच्चे ने वो थोनू देख देख के सीखना शुरू कर देंगे कि वाई इट इज़ नैसेसरी टू सिट टूगैदर, क्यों लोड़ है कट्ठे बैठण की, क्योंकि जो असी कट्ठे बैठते हाँ सानू पता ही नहीं लगता असी किन्ना कुछ एक दूसरे तो सीख लैंदे हाँ, एक दूसरे तो सुन सुन के असी बहुत नवीं चीज़ा सीख जाने हाँ, कुछ उन्होंने तजुर्बे जड़े ने अनडाउटडली जिहड़ा सानू इंटरनेट कदे नहीं दस सकता, वो सानू ओरिजिनल आइडियाज़ ओरिजिनल एक्सपीरियंस सिर्फ उन्हों तो मिल सकते, वो सानू मिल जाते हैं। जे असी उन्होंने बैठांगे ही नहीं सानू कोई वो चीज़ मिलेगी भी नहीं। हुण एक चीज़ नूं मैं जिथों शुरुआत की, एक कोट है जिहड़ा जफर दा, मैं बोलिया कि मैं थोड़ी संभाल मैं उन्हां दी संभाल करदा खुद दी संभाल करन लई है ना, ते मैं उन्हां नूं नाल रखदा खुद नूं नाल रखन दे लई। किन्नी प्यारी जी लाइन है, सानू उन्हां दी जरूरत है, उन्हां नूं साडी जरूरत है, साडे बच्चे वो संभाल रहे ने, उन्हां नूं संभालन लई साडी होंद होनी जरूरी है। मतलब असी ये कहने आ भी कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिल रही दुनिया दे विच, हाँ सब कुछ दुनिया भावें रिश्ते बहुत नेड़ले भी है तां वी असी एक दूजे दे नाल इस तरीके नाल बन्ने हुए हाँ कि वो सानू फायदा दे रहे ने, असी उन्हां नूं फायदा दे रहे हाँ। मैं उन्हां दी संभाल रही नहीं उन्हां नूं संभाल रहा, मैं अपने संभाल लई उन्हां नूं संभाल रहा।
ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਣਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜੁਰਬੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟਸ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਹੀ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਹੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅਲੋਨ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਅਦਰਸ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਿੱਖੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ। ਦੇਖੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਥੱਲੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਬਣਾ ਲਊਗੀ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਊਗੀ। ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਮਪੈਥੀ ਬੇਸਡ ਐਮਪੈਥਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਢੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਣੀ ਮੱਤ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਨੀਡ ਨੋਟ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਯੂ ਨੀਡ ਨੋਟ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਸਪੈਰੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੀਡ ਬਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਮੋਰਨਿੰਗ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਰਲ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟੀਚ ਦੀਸ ਸਾਇੰਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਐਥਿਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਟੀਚ ਕਰੀਏ, ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਈਏ, ਵੱਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਝੁਕਾਵ, ਝੁਕਣਾ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
एक होर गल याद आती है मैनू, एक मैं रिसर्च की थी, तो वो एक वीडियो मैनू किसी के इंटरव्यू पता लग गया कि एक लड़के नू पुछया कि तू कल्ला सारी उम्र किवें रहेगा। वो कहिंदा भी मैं कल्ला नहीं रहूँगा, मेरे को फोन होगा। सोचो मतलब उस लड़के ने एक ह्यूमन रिसोर्स नू एक मोबाइल नाल गैजेट नाल रिप्लेस करता कि मैं कल्ला नहीं हाँ, आई डू हैव माई फोन विद मी, ये सारी दुनिया है, ये ही पैसे है, ये ही एंटरटेनमेंट है, ये ही एजुकेशन है, सब कुछ मेरे को है, ये ही मैं डॉक्टर मिल जूगा, सब कुछ मैं इतों ही मिल जूगा, दैन मैं कल्ला नहीं कह सकता। हुण लोगों की सोच कित्थे जा रही है, वो अपने आप नू अपने आप के अंदर ही कैद करते जा रहे हैं। सानू इन चीज़ों नू समझना पऊगा कि असी केड़े रस्ते तुर पए हैं और इस दी मंजिल की होगी और वो किन्नी भयानक होगी। उस भयानक खौफनाक मंजिल तो डरते हुए अज ही असी ये प्रण लईए भी असी अपने बच्चों नू एहो जी जिंदगी नहीं देनी सी, असी अपने बच्चों नू एहो जे खूह दे विच धक्का नहीं देना सी। ते जे अज बच्चे साढ़े या साढ़े गली गवांढ रिश्तेदारां दे या साढ़े दोस्त बच्चों के दोस्त इस एहो जे राह ते तुर पए ने तो सानू उन्हां नू बचाउणा साडी जिम्मेदारी है। यह एक नोबल कॉज है, सानू करना चाहिए। तो उम्मीद करदा तुसी इस चीज़ के उत्ते जरूर काम करोगे, रिश्तियां नू बचाउण दे विच, रिश्तियां नू निभाउण दे विच साडा जिहड़ा भी रोल बनता है उन्हूं जरूर अदा करोगे। धन्यवाद।